बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अली राना फ्रॉम गुलामाने अब्बास स्कूल। टुडे वी आर हेयर विद आर एसएलओ नंबर 456 फ्रॉम आर चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम की स्टेट्स को डिफाइन करेंगे कि क्या होती हैं इक्विलिब्रियम की स्टेट्स, और साथ साथ जो है वो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि उन स्टेट्स में कौन कौन सी बॉडीज हैं, वो पर्टिकुलरली कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है इक्विलिब्रियम की। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन समझी थी और साथ साथ हमने जो है कुछ टाइप्स देखी थी इक्विलिब्रियम की, के इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, और फिर हमने उसकी दो टाइप्स पढ़ी कि कौन कौन सी इक्विलिब्रियम की टाइप्स होती हैं। फिर हमने वहाँ पर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी थी, और आज इस टॉपिक के अंदर इस वीडियो लेक्चर में हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को पढ़ने जा रहे हैं। सो वी हैव थ्री स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारे पास तीन स्टेट्स होती हैं इक्विलिब्रियम की, जिसमें सबसे फर्स्ट है दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट जो स्टेट है इक्विलिब्रियम की वो क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब कैसे आइडेंटिफाई करें हम किसी बॉडी को कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है? तो हम अगर पोजीशन के रेस्पेक्ट से देखें कि इक्विलिब्रियम की जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है उसमें कैसे पता चलेगा विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कि बॉडी लाइज या बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो लेट सपोज हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस मौजूद है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक प्लेस कर दिया। एक ब्लॉक है या फिर एक बॉडी है जो कि यहाँ इस तरह से लाई कर रही है। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम का हमें इस तरह से पता चलता है जब हम किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम में बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होती है, अगर हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो उस बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब हम किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें और वो किस तरह से बिहेव करती है, उससे हमें पता चलेगा कि बॉडी कौन सी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में मौजूद है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक बॉडी इस तरह से हॉरिजॉन्टली लाई कर रही है। अगर मैं उस बॉडी को जो कि हॉरिजॉन्टल टेबल पे लाई कर रही थी, मैंने उस बॉडी को यहां से इस तरह से ऊपर उठा दिया। जब मैंने उसको ऊपर उठाया और फिर जब मैं उसको रिलीज करूं, तो रिलीज करने से अगर ये बॉडी अपनी उसी प्रीवियस पोजीशन पे आ जाती है तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है? इट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम को? व्हेन अ इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इज डिस्टर्ब, सो व्हेन इट कम्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब भी किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाए और डिस्टर्ब करने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है, तो ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसी तरह से अगर एक टेबल के ऊपर हमारी एक बुक रखी हुई है या फिर एक कॉपी रखी हुई है, और उसको हम एक एज से पकड़ के उठाते हैं, उठाने के बाद उठाने से हमने क्या किया, हमने उस बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। जैसे ही हम उस बॉडी को रिलीज करेंगे, वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगी। तो अगर ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है तो उसका मतलब है उस बॉडी का इक्विलिब्रियम कैसा था? इट वॉज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो तमाम एग्जांपल्स जहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम में मौजूद हो और उस बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाए और वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, तो इट्स मीन उस बॉडी का इक्विलिब्रियम स्टेबल है। इसी तरह से अगर कोई कार है, कार को हम यहां नीचे से ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो उठाने से उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। जैसे ही मैं उसको छोड़ दूंगा, रिलीज करूंगा, वो कार अपनी दोबारा रोड के ऊपर उसी पोजीशन पर वापस आ जाएगी। इट्स मीन उसका इक्विलिब्रियम कौन सा था? इट वॉज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम हमने क्या सीखा कि बॉडी कम्स टू प्रीवियस पोजीशन, बॉडी जो है वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
दूसरी जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है उसे हम क्या कहते हैं, इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, अगर किसी बॉडी को या अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में मौजूद है और हम उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मोटरसाइकिल है वो स्ट्रेट खड़ी हुई है, जब उसको अगर हम कोई पुश कर दें, फोर्स लगा दें, धक्का लगा दें, तो क्या होगा, वो मोटरसाइकिल यूं हॉरिजॉन्टली फ्लोर के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर गिर जाएगी। क्या हुआ हमारे फोर्स अप्लाई करने से या हमारी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने से क्या फर्क पड़ा बॉडी पे, बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आई। ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें बॉडी इक्विलिब्रियम में मौजूद हो और उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन या प्रीवियस पोजीशन पे वापस ना आए, तो ऐसा इक्विलिब्रियम कहलाता है, इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे अभी मैंने एक मोटरसाइकिल की एग्जांपल दी, इसी तरह से मैंने जो है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक स्टिक को यू स्टैंड कर दिया, ये स्टिक यू हॉरिजॉन्टली वर्टिकली स्टैंड कर रही है, अगर स्टैंड कर रही है तो इट्स मीन इट इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है। सो नाउ अगर हम इस बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, मैंने इसको यहाँ से टच कर दिया, टच करने से फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, क्या ये पेंसिल या ऑब्जेक्ट या जो भी सिलेंडर है ये, जब हम उसको फोर्स लगाएंगे, पुश करेंगे, तो क्या ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा, नहीं आएगा। ये फोर्स अप्लाई करने के बाद हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर गिर जाएगा, या परिसना वर्टिकल स्टैंड कर रहा था, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। दिस शोज दैट कि ये बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आई, इट्स मीन द इक्विलिब्रियम या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन दिस सेकंड एग्जांपल इज अनस्टेबल। तो तमाम एग्जांपल्स जहां बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने के बाद या बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन या प्रीवियस पोजीशन पर वापस नहीं आती, तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो हम यहां नोट कर लेते हैं, बॉडी डू नॉट कम्स to its previous position, प्रीवियस पोजीशन पे नहीं आ रही, तो कहाँ आ रही है, बॉडी एक न्यू पोजीशन पे चली जाती है, ये वर्टिकल स्टैंड कर रही थी और इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के बाद ये बॉडी हॉरिजॉन्टली लाई कर रही है, इसकी स्टेट, इसकी कंडीशन कंप्लीटली चेंज हो गई, प्रीवियस पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो अब हम आ जाते हैं थर्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर, एंड इन थर्ड स्टेट वी हैव न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो तीसरी जो हमारे पास स्टेट है वो क्या कहलाती है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाती है। लेट सपोज हमारे पास कोई एक बॉडी है जो कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में मौजूद है, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस उस पे फॉलो हो रही है, ओबे हो रही है, इट्स मीन वो इक्विलिब्रियम पोजेस कर रही है। अगर उस बॉडी को मैं फोर्स अप्लाई करके उस बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर देता हूं, डिस्टर्ब करने के बाद क्या हो कि अगर वो बॉडी एक न्यू पोजीशन पे चली जाए और साथ साथ न्यू पोजीशन बिल्कुल सिमिलर हो प्रीवियस पोजीशन के, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल एक बॉल हमारे पास मौजूद है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, इक्विलिब्रियम में मौजूद है ये, अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करूं, मैं इसको पुश करूं, तो पुश करने से इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब होने के बाद ये एक न्यू पोजीशन पे चला जाता है बॉल, और जो न्यू पोजीशन है वो बिल्कुल सिमिलर होती है इसकी प्रीवियस पोजीशन के। अगर मैं इस बॉल को पुश कर देता हूं हल्का सा, तो ये बॉल अपनी पोजीशन चेंज करके यहां आ जाएगा। तो जब इसकी पोजीशन चेंज हो गई, और साथ साथ चेंज भी कैसे हो, चेंज इस तरह से हो कि उसकी न्यू पोजीशन और प्रीवियस पोजीशन दोनों
सेम हो, सेम तरह की हो, एक जैसी पोजीशन हो, न्यू और प्रीवियस, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं इट इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के बाद बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आने के बजाय न्यू पोजीशन पे चली गई। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में भी बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है कि बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन से एक न्यू पोजीशन पे चली जाती है। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दोनों में इसी तरह से हो रहा है। सो फर्क क्या है इसमें कि यहाँ प्रीवियस पोजीशन और न्यू पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, जबकि यहाँ पर प्रीवियस पोजीशन और न्यू पोजीशन ये दोनों एक सिमिलर पोजीशन से एक जैसी पोजीशन है। तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, इट इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसी तरह से एक एग्जांपल, एक कार है, कार को अगर मैं धक्का लगा देता हूं, धक्का लगाने से क्या होगा, कार एक न्यू पोजीशन पे चली जाएगी और न्यू पोजीशन पे जाने के बाद कार की जो न्यू पोजीशन है वो बिल्कुल सिमिलर होती है प्रीवियस पोजीशन के। तो जब कार को मैं पुश कर रहा हूं तो कार का जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हुआ, इट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो कोई भी बॉडी अल्टीमेटली किसी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में नहीं होती, आइदर इट इज स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। डिपेंड करता है कि बॉडी के इक्विलिब्रियम को किस तरह से डिस्टर्ब किया गया है। सो जिस तरह से हम उसको डिस्टर्ब करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बॉडी का इक्विलिब्रियम किस तरह का है। सेम ऑब्जेक्ट तीनों स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चेयर मौजूद है, चेयर को मैं हल्का सा उठा के छोड़ देता हूं तो चेयर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। इट्स मीन चेयर स्टेबल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है। चेयर को अगर मैं यू साइड से धक्का देता हूँ, चेयर जाके वहां टॉपल ओवर करके गिर जाती है, तो इट्स मीन चेयर की पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट हो गई प्रीवियस पोजीशन से। इट्स मीन अब चेयर की जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सा हुआ, इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं चेयर को ड्रैग करके लेके जाता हूँ आगे तो जो न्यू पोजीशन है अब सिमिलर हो गई प्रीवियस पोजीशन के। सो नाउ द चेयर इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो ये डिपेंड करता है कि जब भी हम किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, किस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम उस बॉडी के इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हमने कहा कि बॉडी कम्स टू न्यू पोजीशन सिमिलर टू प्रीवियस पोजीशन। बॉडी जो है वो एक न्यू पोजीशन पे आ जाती है और वो न्यू पोजीशन बॉडी की प्रीवियस पोजीशन के तकरीबन सिमिलर होती है। सो यहां तक हमने जो है वो इन तीनों स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन। बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है, बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ रही, न्यू पोजीशन पे आ जाती है, और बॉडी अपनी एक न्यू पोजीशन बिल्कुल सिमिलर टू प्रीवियस पोजीशन पर आ जाती है। तो ये हमने डिफाइन किया तीनों स्टेट्स को विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन। अब हम जो है वो इन तीनों स्टेट्स को एक और तरह से डिस्क्राइब करते हैं विद रेफरेंस टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टडी किया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है वो पॉइंट बॉडी के अंदर जिसमें बॉडी बैलेंस हो जाती है विदाउट रोटेशन, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रेस्पेक्ट से हम स्टेबल इक्विलिब्रियम को देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम था, तो यहाँ इस बॉडी के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मैंने मार्क कर दिया, तो ये ओरिजिनली इस पोजीशन पे लाई कर रही थी। जब मैंने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, तो डिस्टर्ब करने के बाद इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बॉडी के साथ ऊपर चला गया। सो जब मैंने उसको डिस्टर्ब किया तो डिस्टर्ब करने से जो इसका ओरिजिनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो भी बॉडी के साथ ऊपर की तरफ रेज हो गया। साथ साथ अगर हम इसी एग्जांपल को देखें जिसमें हमने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब किया था, जिसमें इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ लाई कर रहा है और जब ये गिर के
ग्राउंड पे आ गई तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ हो गया, लोअर्ड हो गया। इस बॉल के अंदर देखिए तो बॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ सेंटर में लाए कर रहा है और न्यू पोजीशन के आने के बाद भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पे लाए कर रहा है। सो अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से इस इक्विलिब्रियम की स्टेट को डिफाइन करें, सो अगर किसी बॉडी की इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ उठ जाए तो इट्स मीन वो बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगी, प्रीवियस पोजीशन में वापस आ जाएगी। सेकेंडली अगर हम देखें कि अगर बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने से उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ हो जाता है तो इट्स मीन बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगी और उसका जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है वो अनस्टेबल है। साथ साथ अगर हम थर्ड वाले में देखें जिसमें हमने न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब किया था तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के बावजूद ना उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ उठा है ना उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ मूव हुआ, बट उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर सेम हाइट पे रहता है तो ऐसी बॉडी जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कहलाती है। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम ने क्या कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज्ड, बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा ऊपर की तरफ रेज हो जाता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ने क्या कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर्ड, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ हो जाएगा। और साथ साथ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ने क्या कहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट सेम हाइट, बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं जिसमें हमने इक्विलिब्रियम की स्टेट जानी कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम दैट आर स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। देन हमने उसको डिफाइन किया विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अगर बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाती है तो इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर न्यू पोजीशन पे आ जाती है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बॉडी कम्स टू अ न्यू पोजीशन दैट इज सिमिलर टू द प्रीवियस पोजीशन। Then we describe the state of equilibrium on the basis of center of gravity. If the center of gravity is raised of a body, then it is in a stable equilibrium. If the center of gravity of the body is lowered, then the body is in unstable equilibrium. Finally, when the center of gravity remains at the same height, then this equilibrium will be neutral. तो ये था हमारा आज का lecture जिसमें हमने SLO number 4, 5, 6 में states of equilibrium को describe किया. So that was it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with another topic from the chapter Turning Effect of Forces. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz.